गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, फिर रिजल्ट वर्ब से याद करते हैं जरा, ठीक है। और ये अब आपके वीडियोस रेगुलर वे में हुआ करेंगे। अभी पहला वीडियो इसके अंदर ये, बस मेरी आपसे यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए गुरु दक्षिणा ये दे सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम पहले सबसे कर रहे हैं, देखो एक्वेंटेड विद का इस्तेमाल करते हैं। एक्वेंट, ACQUAINT, ये ना बड़ी खतरनाक वो है, एक्वेंट विद, ये ठीक है ना, एक्वेंट विद तो मतलब किसी से जांच पड़ताल किसी की करवा देना। तो इसको हम पैसिव में इस्तेमाल करते हैं। देखो अगर आप कह रहे हैं कि मैं उस एरिया को जानता हूँ, तो आप क्या कहोगे, आई एम एक्वेंटेड, ACQUAINTED, आई एम एक्वेंटेड विद दैट एरिया, विद दैट एरिया, या ठीक है ना, प्लेस, या फिर मैं उस एरिया को जानता हूँ, मैं उस एरिया को, तो आई एम एक्वेंटेड विद, ACQUAINTED, मैं उस एरिया को जानता हूँ। तो आप जब भी किसी चीज़ के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो आप एक्वेंटेड का ये इस्तेमाल करते हैं। किसका, एक्वेंटेड का। और किसी वस्तु के साथ साथ किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एक्वेंटेड, ACQUAINTED, acquainted with him, मैं उसे जानता हूँ, आई एम acquainted with him, ठीक है ना, मैं उसे जानता हूँ, ACQUAINTED, मैं इसे जानता हूँ, ठीक है, ओके। तो मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन पूरा नहीं जानते, मतलब स्लाइटली, मतलब SLIGHTLY, स्लाइटली, स्लाइटली मतलब हल्के फुल्के जानते हो आप, मैं फ्रेंड नहीं हूँ, फास्ट फ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है, तो आप उसे जानते हो, ओके। तो आप किसी व्यक्ति को जानते हो तो आप कहोगे आई एम एक्वेंटेड विद दैट पर्सन, तो आप, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर मैं मोहन को जानता हूँ तो क्या कहोगे, आई एम एक्वेंटेड विद मोहन, मैं मोहन को जानता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेज वर्ब हम कर लेते हैं इसमें, आपका एक्ट ऑन, एक्ट ऑन क्या होता है, एक्ट ऑन या फिर एक्ट अपॉन, या फिर ऑन कर दो या अपॉन कर दो, किसी की सलाह वगैरह पर, ठीक है ना, किसी सलाह वगैरह पर काम करना, ठीक है, कि जैसे कि तुम्हें अपने पिता की सलाह पर काम करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब उसको मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्ट ऑन यूअर फादर्स एडवाइस, फादर्स एडवाइस, तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए, ठीक है, तो एक्ट, तो मतलब तुम्हें माननी चाहिए, ओके। और सेंटेंस और बना लेते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, तो क्या चाहिए थी, मतलब शुड हैव कर देते, यू, देखना सेंटेंस कैसे बनेगा, यू शुड हैव, ओके, एक्टेड ऑन माई एडवाइस, तुम्हें मेरी सलाह मान लेनी चाहिए थी, ओके। यू शुड हैव, है शुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है कि करना चाहिए था, यू शुड हैव एक्टेड ऑन माई एडवाइस, तुम्हें मेरी सलाह मान लेनी चाहिए थी, ठीक है, देख तो हो गया सलाह मानना वगैरह। अच्छा, एक्ट ऑन का दूसरा, ठीक है ना, तो एक ये आपका ये हो गया इसमें। नेक्स्ट आपका एक फ्रेज़ वर्ब सॉर कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, तुम्हारा जो है इसमें, नहीं इतनी रहने देते हैं इसमें, आपका दो दो तीन तीन मिनट के वीडियोस इतने बहुत ज़्यादा हैं, आप इतने करते रहना, याद करते रहना, तो आपको जो है एक्ट ऑन, ठीक है ना, तो बहुत सारे शुड के साथ वो डाल दो, यू शुड या ऑट टू, ऑट टू बोल दो शुड की जगह, वो यू जी एच, बोलिंग प्रैक्टिस तो करना, ऑट टू, ठीक है ना, यू शुड या ऑट टू, ठीक है, एक्ट ऑन दिस एडवाइस, तुम्हें ये सलाह पे काम करना चाहिए, तो शुड लगाओ, ऑट टू लगाओ, और अगर बहुत ज़रूरी है तो मस्ट लगा दो, क्या लगा दो, मस्ट लगा दो, तुम्हें करना चाहिए, मस्ट लगा दो, ठीक है ना, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।